भालू से नहटोर आ रही मैक्स गन्ने से भरे ट्राले से टकरा गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सकों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। नगर के मोहल्ला पीर शहीद काला निवासी मुख्तार पुत्र अब्दुल रहीम दानिश अनस आदि झालू स्थित बाजार में मछली बेचकर मैक्स गाड़ी से वापस घर लौट रहे थे। शुक्रवार की देर सायं जब झालू रोड स्थित ग्राम नारायणपुर के पास पहुंचे तो नेटवर की ओर से जा रहे गन्ने से भरे ट्राले से उनकी मैक्स टकरा गई, जिसमें ईदगाह निवासी चालक आफाक पीर शहीद काला निवासी मुख्तार दानिश अनस आदि आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सीएससी में भर्ती कराया गया, जहाँ पर चिकित्सकों ने मुख्तार पुत्र अब्दुल रहीम 40 वर्ष को मृत घोषित कर दिया। वहीं आफाक और दानिश को बिजनौर रेफर कर दिया गया है। न्यूज बुलेटिन के लिए नेटवर से डॉक्टर नदीम अहमद की रिपोर्ट। आपने ये जो एक्सीडेंट हुआ ये कहाँ पर हुआ है? जी सर, ये नारायणपुर में हुआ था। नारायणपुर खेड़ी, नारायणपुर ये पड़ता है झालू रोड पे। अच्छा, ऑन रोड है? ऑन रोड है जी। तो आपको डिटेल कैसे मिली? जी सर, हमने हमारे एक चार्ट पर कॉल गई और हमने उनको जो है रोड पे आए सीन पर पहुंचे और सीन पर पहुंचे खंडक में से ने उठाया। अच्छा। गाड़ी में रखा और उन्हें अस्पताल लेके आए। लगभग कितने लोग हैं ये? ये चार लोग हैं। इनमें से सबकी हालत कैसी है? जिनकी सबकी हालत गंभीर है जी। जी सुना है एक की तो डेड भी हो गई इसमें? नहीं सर, हमने जब उठाया तब तक उनमें सांस थी। जी जी। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम भूरे यादव। ठीक है सर। अब आपका न्यूज़ फ्रीडम चैनल कभी भी कहीं भी देश विदेश में बिजनौर व उत्तर प्रदेश की खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर लॉग इन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ फ्रीडम चैनल और बने रहिए हमारे साथ अपने क्षेत्र की खबरों के लिए।